इनका टोटल 3 महीने में 8 किलो वेट गेन हुआ है और वो भी टोटली नेचुरल डाइट से। इन्होंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, इन्होंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं तो वो भी नहीं है। ये दोस्तों डेली सुबह 7 बजे उठ के 70 किलोमीटर का सफर करके अपनी जॉब पे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर जिसका नाम है सेहत वाली फिटनेस। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं फिट रहने की कुछ सेहतमंद बातें, कुछ सेहतमंद टिप्स जो आपको फिट रखेंगी, लाइफ में हिट रखेंगी। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर आ जाए एक नई वीडियो के साथ और एक मोटिवेशन के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसका गोल है बिगिनर्स को लेकर, उन बिगिनर्स के लिए जो मसल मास गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं और उनके मन में 100 तरीके के सवाल होते हैं कि क्या मैं बिना सप्लीमेंट के वेट गेन कर पाऊँगा, क्या नेचुरल डाइट से वेट गेन करना पॉसिबल है, या फिर वो सोचते हैं कि मैं पूरे दिन भाग दौड़ करता हूँ, मैं जॉब जाता हूँ, फिर वो सोचते हैं कि वेट गेन करने में ज़्यादा बजट मेरा बिगड़ तो नहीं जाएगा या फिर ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सारे सवाल का आपको जवाब दूंगा मैं। और दोस्तों आज आपको इंस्पायर करने के लिए है मेरे साथ नितिन भारद्वाज। तो दोस्तों मेरी जिम के एक रेगुलर मेंबर हैं और आज से 3 महीने पहले जब ये मेरे पास आए थे तो बिल्कुल बिगिनर थे, 100 तरीके के इनके मन में सवाल थे। जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि आपका क्या बॉडी गोल है, आप किस लिए जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्यों जिम ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भैया मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, मसल मास गेन करना चाहता हूँ, बट मैं सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मेरा ज़्यादा बजट भी नहीं है कि मैं अपनी डाइट पर ज़्यादा खर्च कर सकूँ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नेचुरल डाइट से मैं वेट गेन कर सकूँ या फिर मेरा वेट इंक्रीज हो सके। और दोस्तों मैंने इनको बताया, समझाया और इन्होंने वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और दोस्तों आज 3 महीने में इन्होंने बहुत अच्छा वेट गेन किया है। इनका टोटल 3 महीने में 8 किलो वेट गेन हुआ है और वो भी टोटली नेचुरल डाइट से। इन्होंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, इन्होंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं तो वो भी नहीं है। ये दोस्तों डेली सुबह 7 बजे उठ के 70 किलोमीटर का सफ़र करके अपनी जॉब पे जाते हैं। वहाँ पर इनकी 8 घंटे की जॉब होती है, वो इनकी हाफ जॉब जो है वो सिटिंग होती है, हाफ जॉब जो है वो इनकी फील्ड की होती है। उसके बाद ये वापस 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर आते हैं। दोस्तों इसी दौरान इन्होंने अपनी डाइट को फॉलो किया और इन्होंने 3 महीने में 8 किलो मसल मास गेन किया है विद नेचुरल डाइट। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेरा गोल है वो है बिगिनर्स को लेकर, कि बिगिनर्स ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बिगिनर्स ही सबसे ज़्यादा भटकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने नितिन जी को एग्जांपल लेकर आपको इंस्पायर करने के लिए आज मैं इनको आपके सामने लाया हूँ, आप थोड़े इंस्पायर हो सकें इस कॉमन आदमी के स्टोरी से। दोस्तों ये छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों हम नितिन जी से थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं, उनका शेड्यूल कैसा है। ये तो मैंने आपको बता दिया बट एक बार आप उनके मुंह से भी सुनिए कि उनका शेड्यूल कैसा है। वो बताएंगे भी आप वो कहाँ जॉब करते हैं, कैसे जॉब करते हैं और कैसा उनका शेड्यूल होता है। तो नितिन जी आपकी जो स्टोरी है वो हो सकती है कि काफ़ी जो हमारे बिगिनर भाई हैं, जो बिगिनर हैं जो सबसे ज़्यादा भटकते हैं। आपको याद है जब आप पहली बार जिम में आए थे, तो आप एक बार बताइए कि आपका क्या शेड्यूल है, आप सारी चीज़ें बताइए। दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया, मैं जब पहली बार जिम आया तो मेरे को ये लगा कि मैं अपना वेट नहीं बढ़ा सकता, मतलब इंक्रीज़ नहीं कर सकता। और मैंने इनसे पूछा कि भैया मैं अपना वेट इंक्रीज़ कर सकता हूँ बिना सप्लीमेंट के, तो भैया ने कहा कि हाँ बिल्कुल। मैंने बताया मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरा बजट भी इतना नहीं था सप्लीमेंट वगैरह के लिए। भैया को मैंने बताया कि मेरा वर्किंग शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 7 बजे मैं अपने घर से निकल जाता हूँ और दिल्ली जाता हूँ। मैं 70 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं अपने घर से जाता हूँ और वहाँ जॉब करता हूँ, कभी कभी मेरे को फील्ड की जॉब भी मिलती है। उसके बाद शाम को फिर 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं घर वापस आता हूँ, उसके बाद मैं जिम आता हूँ। कैसे इंस्पायरिंग जो स्टोरी है इनकी निकल के आती है, ये सुबह 7 बजे उठते हैं, 70 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, हार्ड वर्किंग शेड्यूल है, वापस आते हैं, फिर जिम आते हैं और इसी बीच में सारी अपने डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। दोस्तों बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, बिगिनर्स इस वीडियो को ज़रूर देखें और थोड़ा इंस्पायर हुएं वो इस वीडियो से कि दोस्तों नेचुरल डाइट से भी वेट गेन हो सकता है, सप्लीमेंटेशन या ज़्यादा खर्च करके ही वेट गेन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो दोस्तों आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज़ को थोड़ा समझें। अब दोस्तों नितिन जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये अपना जो डाइट है वो कैसे फॉलो किया, क्योंकि रेल के सफ़र में जाते हैं, लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, भीड़ आपको पता ही है, आम आदमी ज़रूर जानता होगा कि लोकल ट्रेन में क्या भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। अब नितिन जी से थोड़ा जानेंगे जल्दी जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो, कैसे अपना जो है डाइट फॉलो की, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया और अपना 8 किलो मसल मास गेन किया। तो नितिन जी अब आपको बताएंगे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या किया। तो नितिन बताइए। भैया ने मेरे को डाइट बताई और वो डाइट ऐसी थी कि हर कोई उसको फॉलो कर सकता है, हर कोई उसको खरीद सकता है, क्योंकि घर की ही डाइट थी वो, जैसे कि केले, गुड़, सत्तू और किशमिश, बादाम वगैरह, ये सब चीज़ें सबके घर में मिल जाती हैं। तो मैं जैसे ट्रेन में जाता हुआ, भैया ने बताया कि 1-1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, तो मैं जैसे ट्रेन में सफ़र करता हुआ जैसे कुछ ना कुछ खाता रहता था, तो फिर आसपास के लोग भी मेरे को ये देखते थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मेरे को शर्म आती थी फिर। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें एक तरफ रख के मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया और आज मेरा 8 किलो वज़न बढ़ गया। तो दोस्तों देखा आपने नितिन जी ने किस तरीके से सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने सारे काम किए और अपना वज़न इंक्रीज़ किया। दोस्तों ये स्टोरी उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है जो अपना वेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं और जो आम घर से हैं, आम परिवार से हैं। दोस्तों ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, सप्लीमेंटेशन लेने का या तो मन नहीं है उनका या उनके घर के मना करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। तो दोस्तों ये स्टोरी मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डाली है और सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले बताया हुआ है कि जो हमारा बेस है वो नेचुरल डाइट है, वो हमारी बेस है। जो सप्लीमेंटेशन वगैरह हैं, हाँ वो सपोर्टिव पिलर्स हो सकते हैं, उनसे थोड़ा वो सपोर्ट आपको मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट ही सब कुछ है या फिर बिना सप्लीमेंट के भाई आप तो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझो, इनको मैंने क्या डाइट बताई, उन्होंने क्या डाइट फॉलो की, दोस्तों वो मैं सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये है इनका पोस्ट वर्कआउट मील जो आपके सामने रखा हुआ है, इस टेबल पर आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे शेकर में प्रोटीन है, दोस्तों इस शेकर में प्रोटीन नहीं है, क्योंकि नितिन ने मुझसे बोला था कि भैया सप्लीमेंटेशन मैं नहीं ले सकता और सप्लीमेंटेशन में नहीं लेना चाहता, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि मेरे घर वाले लड़ते हैं कि भैया डिब्बा मत खाइयो, कुछ भी खा लियो डिब्बा मत खाइयो। दोस्तों ये है सत्तू, ये चने का सत्तू है नॉर्मल, देखिए ये है गुड़, नॉर्मल जो गुड़ होता है वो है ये, ये रहे केले, ये रहे ड्राई फ्रूट्स, और दोस्तों ये रही दही। और दोस्तों इसमें है नॉर्मल पनीर जो नितिन जी रात में अक्सर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए नेचुरल डाइट है, इजीली अवेलेबल डाइट है। दोस्तों अब जैसे इसमें आप देख रहे होंगे क्वांटिटी थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही होगी, जो बिगिनर भाई है जो कभी जिम नहीं गया हो सकता है कि उसको जो है ये क्वांटिटी ज़्यादा लग रही हो, बट ये क्वांटिटी इनकी 3 महीने में इतनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही ये मतलब जो इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है। तो बिगिनर भाई जो हमारा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो थोड़ा घबराए नहीं देख के कि यार इतना कैसे खाऊंगा, आप अपने हिसाब से उस क्वांटिटी को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में बिगिनर की बात करता हूँ तो वो 1 केला ले ले, ड्राई फ्रूट्स ये भर के हैं तो थोड़ा आधे ड्राई फ्रूट्स ले ले, ये जैसे गुड़ की डरी हैं 2 हैं तो 1 ले ले, सत्तू है इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 30 ग्राम सत्तू लिया हुआ है तो ये सत्तू भी कम ले लें, पनीर जो है इन्होंने 100 ग्राम लिया हुआ है तो पनीर भी आप 50 ग्राम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये डाइट है जो आपको अपने पोस्ट वर्कआउट मील में फॉलो करनी है। तो इस वाली डाइट में आप देखिए नेचुरल डाइट है, दही भी है जिसमें हमको प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेंगे, केले हैं जिनमें हमको एनर्जी मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें सब तरीके के हमको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, दोस्तों गुड़ है जो हमारी एनर्जी को इंस्टेंट रिकवरी देगा, दोस्तों सत्तू है जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी कार्ब्स हैं, और दोस्तों सत्तू भी जो है ना फाइबर वाला है, मतलब इसमें छिलके हैं वो भी इंक्लूड हैं। दोस्तों ये पनीर है जो आपको सोते टाइम लेना है, जो आपको कैसीन प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा आपकी मसल्स को रिकवरी करने के लिए। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानिए कि नेचुरल डाइट से भी वेट इंक्रीज हो जाता है, आपको कोई भी शॉर्टकट या फिर सप्लीमेंटेशंस लेना कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये बातें जो शेयर की वो इसलिए की क्योंकि नितिन जी आज इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे अपने वेट को देखकर, तो दोस्तों उनके मोटिवेशन को देखकर, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर दोस्तों मैंने सोचा कि शायद इनका जो ये कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो आप लोगों के भी काम आ सके, किसी बिगिनर भाई के काम आ सके। तो दोस्तों मैंने नितिन जी को बहुत मनाया, मैंने उनको बहुत बोला कि आज की वीडियो बनवा दो, पहले बात तो ये राजी नहीं हो रहे थे, दूसरा जब ये राजी हुए तो दोस्तों उसके बाद फिर कहने लगे नहीं भैया कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे। फिर मैंने बोला नहीं, जो कॉन्फिडेंस, जो जोश मैं तुम्हारे अंदर आज देख रहा हूँ, हो सकता है वो कल ना हो, क्योंकि आज तुमने अपना वेट चेक किया है,
अब ये कॉन्फिडेंस, ये जोश अगर हमारे किसी बिगिनर भाई के काम आ जाए, उसको इंस्पायर करने के काम आ जाए, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों आज हमने बात की पोस्ट वर्कआउट नील के बारे में, एक वेट गेनिंग इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में, एक आम आदमी की, एक कॉमन आदमी की, एक और दोस्तों जिसने बोल दिया कि मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा, बजट भी लो है, तो मेरा वेट कैसे गेन होगा। तो दोस्तों उसे मैंने वेट गेन करने की डाइट जरूर बताई, बट दोस्तों उसने फॉलो की। ये इसकी मेहनत है, इसका डेडिकेशन है, और इसने अपने गोल्स को थोड़ा बहुत अचीव किया। अभी नितिन जी जो हैं और गेनिंग करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उस भाई के लिए, उस दोस्त के लिए जो वेट गेन करना चाहता है। दोस्तों हो सकता है कि उस भाई का कुछ भला हो जाए और दोस्तों उसको अपने वेट गेन करने का जो उनका गोल है वो अचीव हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, किसी नई एक्सरसाइज के साथ या किसी नए फिटनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों फिट रहें, लाइफ में हिट रहें, नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।